हेलो गाइस, वेलकम टू मीमी फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बट अगर आप अच्छे नहीं है तो आप डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, बिकॉज आपने ट्यून इन कर लिया है द बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब, दैट्स सिमोर्स चैनल। क्रिसमस ट्री बीन वंडरिंग जस्ट व्हाट यू मीन टू मी। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। 11:40 हो चुके हैं और मुझे जाना है मेरी अपॉइंटमेंट पे रूमेटोलॉजिस्ट के पास। एक साल के बाद मेरी ये रिव्यू की अपॉइंटमेंट आई है और बस निकलने ही वाली हूँ, पर मैंने सोचा कि इस व्लॉग को हम घर में शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हिम्मत को उसके दोस्त के घर छोड़ा जाएगा, क्योंकि क्लिनिक वाले बच्चों को नहीं आने दे रहे, जो कि बहुत ज़्यादा सैड है। अदरवाइज़ हिम्मत प्यारा बच्चा बन के वेटिंग एरिया में रह सकता है, पर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही बंदा एक समय पर आएगा। सो यस, जा रही हूँ मैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। आज मेन हॉस्पिटल में है मेरी अपॉइंटमेंट। लेट्स गो। हिम्मत, यू रेडी? ओके, लेट्स गो। वेयर सॉक्स एंड शूज, गो। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं हिम्मत को छोड़ के आ गई हूँ, हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ मैं, और मैं अपनी अपॉइंटमेंट से 10-15 मिनट अर्ली हूँ, पर मैं जाने वाली हूँ अंदर। बहुत ज़्यादा ठंड है आज, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। वैसे तो -3 है, पर हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है, -3 भी बहुत ज़्यादा है। नहीं सो यार, इतना शुक्र है कि स्नो नहीं हो रही है, क्योंकि स्नो मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। घर में बैठ के तो अच्छी लगती है, पर बाहर घूमने में नहीं अच्छी लगती। सो यार, जल्दी से जाते हैं अंदर एंड होपफुली हमारा काम जल्दी हो जाएगा। एंड मुझे ठंड लग रही है। किसी की गाड़ी का ये उतर गया, उड़ रहा है। देखो यार, स्क्रैच पड़ गया लोकल या गड्डी। हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। लास्ट ईयर जब हमारा डायग्नोज हुआ था रूमेटॉइड, तब भी ऐसा ही मौसम था। इन्हीं दिनों में आई थी मैं, दिसंबर या एक साल हो भी गया दोस्तों। कैन यू इमेजिन कितनी छेती समा बीत जाए। No alcohol, no smoking, that's the easy for you. Yeah. The other side is that Tai Chi and meditation, we talked about already. Yeah. Those are the best lifestyle. I do meditation. Yeah, good. And then the last part is some supplements, turmeric supplements, and then omega-3. That's it. Vitamin D and calcium. ओके दोस्तों, सो अपॉइंटमेंट से मैं डन हूँ और मैंने डॉक्टर को जो भी मुझे कंसर्न थे सारे क्वेश्चन पूछे और सारे के जवाब मुझे मिल गए। और शी सेड कि मेरी कंडीशन लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं काइंड ऑफ रिमिशन में हूँ, बट जो मेरा रिमिशन है वो मेरी दवाई के साथ ही है। एक रिमिशन होता है कि आप दवाई ना भी लें तब भी आप अच्छा ही फील करते हैं, बट शी सेड कि तुम दवाई के साथ रिमिशन में हो। मैं सोच रही थी कि दवाई को चेंज करूं या फिर बंद करूं, क्योंकि एक साल हो चुका है, पर मैंने उसे कहा कि मुझे लगता है कि मैं उस दवाई से पहले से काफी ज्यादा बेटर हूँ। पहले मेरी फेस बंद भी नहीं हो रही, बहुत सारे कंसर्न थे, वो काइंड स्टेबल हो गए हैं। कंसर्न मुझे अभी भी हैं, कुछ दिन अलग होते हैं, शी सेड कि वो ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा कि यह दवाई से मुझे फर्क तो है। शी सेड कि बहुत ज्यादा लाइट एंड माइल्ड दवाई है और इसे बंद नहीं करेंगे फिर हम। और भी मैंने बहुत सारी चीजें पूछी जो हम रूमेटॉइड के एपिसोड में बात करेंगे। यस, आई एम हैप्पी, आई एम डन नाउ। अब हम डायरेक्टली जाके हिम्मत को पिक कर लेंगे एंड वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा एलैबोरेट करके चीजें बताती हैं जब उनसे कुछ भी पूछा जाए। सो यस, आई रियली लाइक इट। ओके, सो मैं क्विकली आई थी मफिन्स लेने के लिए हिम्मत की दोस्त के लिए, उनको थैंक्स बोलने के लिए। समा आ गया पिक करने का। I got you muffin. It's okay. I didn't play with him. I want to play with him.
talking about playing Mimi. You're a tip. Is she looking anymore? Bhumi, you like it? Yes! Look at her, guys. She's so cute. So beautiful you are. Iske kapde dekh lo. Thand nahi lag rahi isse. No cold? Mimi, chal chheti pala kapde. You stay there. ऑल राइट दोस्तों, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, मैं और हिम्मत. बहुत भूख लग रही है और आई एम ग्लैड कि भूमि मफिन्स देख के बहुत एक्साइटेड हुई, क्योंकि हिम्मत जो है इसको मफिन्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. तो मुझे लगा कि पता नहीं उनको अच्छी लगती होंगी या नहीं, बट शी सेड थैंक यू, उसे बहुत अच्छी लगी. जो रेगुलरली मैं चाय पीती हूँ वो फिनिश हो गई है और अब मुझे कॉफ़ी पीने पड़ेगी, पर मैं पीऊँगी. बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, पहले -3 था, -8 हो चुका है और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि कहीं भी नहीं आप जा सकते. मैं अर्लियर सोच रही थी कि मौसम अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग, मैं और हिम्मत ही करने के लिए जाएंगे, बट ऐसी ठंड में मैं हिम्मत को लेके नहीं घूमना चाहती हूँ, सो हम नहीं जा रहे. बट या नहीं जा रहे हम लोग. गाइस मेरी हर बार ऐसे सुनते ही है, जैसे पहली बार सुन रहे हो. आई लाइक इट, यू आर अ गुड लिसनर. दोस्तों, तो मैं फार्मेसी में जाने वाली हूँ, कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लाना चाहती हूँ मैं, एंड मेकअप का कुछ देखना चाहती हूँ, और ऐसे ही रिटेल थेरेपी करने के लिए जाने वाली हूँ. अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, पर और मैं आपको भी लेके जाती हूँ. चलिए, हमने डिसाइड किया है शॉपर्स ड्रग मार्ट जाने के बाद. ऑलराइट, सो मैं कंसीलर लेने वाली हूँ, नंबर 30 मुझे सही लग रहा है. एक्चुअली मैं 35 लेती हूँ, पर वो आज पता नहीं क्यों पिंक सा लग रहा है. तो इन दोनों में से कोई लेते हैं. सो मैंने लिए हैं रिमल लंदन के 2 लिप लाइनर, जो कलर मुझे पसंद है. अब हम और मेकअप पे कोई अच्छा प्राइस नहीं है, तो हम देखेंगे स्किन केयर. CeraVe का मॉइस्चराइजर चाहिए मुझे, जो आई थिंक यहाँ पे नहीं है. और है जिस वन नॉर्मल डॉयरी स्किन, यहाँ पे ये स्पेशल का लगा है 21.59, बट ये वॉलमार्ट में 15 का ही है नॉर्मली, सो हम नहीं लेंगे. ओके, बट्स बी की लिप बाम्स लगी हैं स्पेशल पे. लिप बाम ये बट्स बी की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स को भी सही कर देती है. अगर आपके ड्राई ट्रैप्ड हैं और विंटर की वजह से क्रैकी हो गए हैं, तो ये फिक्स कर देगी. तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर से करके देखिए.
ओके सो फार मैंने इतनी चीज़ें ली हैं. ये है हैंड क्रीम, मैंने कभी ट्राई नहीं किया पर मैंने किसी को ट्राई करते देखा और इसकी तारीफ करते हुए देखा. सिर्फ इतनी चीज़ें ली हैं मैंने, हिम्मत के लिए चॉकलेट्स भी लिए मैंने. ओह मैन, बर्फ पड़नी शुरू हो गई है फ्रेंड्स. ऑल राइट दोस्तों, तो समय हो चुका है रात के 10. हस्बैंड एंड हिम्मत ऑलरेडी सो चुके हैं. मैंने मेरी किचन का काम ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है पर मैं अब एडिट करने वाली हूँ. पर एडिट करना शुरू करने से पहले मैं नहाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि अगर मैं लेट नहाती हूँ तो फिर उनको डिस्टर्ब होता है और रात को ज़्यादातर मैं नहा के सोती हूँ क्योंकि फिर मुझे अच्छी नींद आती. और मेरी पिछली वीडियो में दोस्त कह रहे थे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं. मैंने क्या किया है आपको बताऊँ. एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पर हम इस पर एक स्पेशल वीडियो बना लेंगे जिसमें हम मेरे आजकल के हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे. आई होप वो वीडियो आपको हेल्प करेगी. सो या आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पिद्दी सा व्लॉग होगा. आज मैंने जो हमने पास्ता खाया है डिनर में उसकी मैंने रेसिपी भी शूट की थी, उसको मैं अपलोड करूँगी मेरे कुकिंग चैनल पे. मेरे कुकिंग चैनल का नाम है सिमर कैन कुक, यस आई कैन कुक, उस पर अपलोड कर दूँगी क्योंकि हम यही वाली रेसिपी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं. ज़्यादातर मैं यही वाली को फॉलो करती हूँ. जिस दिन मुझे सिर्फ प्लेन अल्फ्रेडो बनाना होता है तो हम मैरिनारा सॉस को स्किप कर देते हैं. दैट्स एंड ड्राइड सन ड्राइड टमेटोज नहीं डालते हैं. सो या दैट्स इट. आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा. अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें. और मेरी वीडियो का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो इंट्रो की वीडियो ज़रूर से भेजें. मैं मिलूँगी आपको कल नए व्लॉग के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. Easy, peasy, lemon, squeezy. I love you guys so much. Bye.